हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रहर, आप देख रहे हो हिजटेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Redmi 9 Pro Max के कैमरे के बारे में। सो जो Redmi Note 9 Pro Max है, इसका जो कैमरा है, इसके साथ मैंने बहुत सारी पिक्चर को क्लिक किया है HDR मोड ऑन करके, HDR मोड को ऑफ करके, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन, 64 MP पोर्ट्रेट मोड, बहुत सारी वीडियो सैंपल्स है, फोटो सैंपल है, जो कि मैं इस वीडियो के दौरान मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट जरूर से कर लेना। एज वेल दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आइए, इंस्टाग्राम में आके फॉलो करिए, उसके बाद आपसे बात भी कर सकते हो। सबसे पहले इसकी यूजर इंटरफेस थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैमरा सैंपल दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपको HDR मोड मिलती है, यहाँ पर आपको ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको गूगल का AI का सपोर्ट मिलता है। गूगल का AI नहीं भाई, सब सिर्फ AI कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रो मोड मिलेगा। प्रो मोड क्या है दोस्तों, सेम लाइक रियलमी के अंदर जो क्रोमा बूस्ट है वो यहाँ पर प्रो मोड नाम से लगाया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर्स मिलेगा, अलग अलग फिल्टर्स को यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ब्यूटी के लिए फिल्टर्स के लिए अलग से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगा। 3 डॉट का क्या काम है दोस्तों, यहाँ पर एक है दोस्तों वाइड एंगल लेंस, नेक्स्ट जो है दोस्तों 1x जो मेन कैमरा है, 2x है नॉर्मल जूम। यहाँ पर कोई भी दोस्तों को टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। सो 2x के अंदर आपको जूम जो होगा दोस्तों डिजिटली जूम होगा, कोई भी आपको यहाँ पर जो टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है, इसलिए डिजिटल जूम मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप वाइड एंगल लेंस को एनेबल करना चाहते हो तो सिंपली जो 1x के बगल में जो ये डॉट है इसमें टैप कीजिए, तो जो वाइड एंगल मोड है वो एनेबल हो जाएगा। एंड अगर आप 64 MP को एनेबल करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर 64 MP को टैप कीजिए, उसके बाद 64 MP ऑन हो जाएगा। बट थिंग इज दैट 64 MP एनेबल करने के बाद आप जूम नहीं कर पाओगे, आप सिंपली पिक्चर को क्लिक कर पाओगे एंड पिक्चर सेव होने में 2 to 3 सेकंड टाइम लेगा। सो एक पिक्चर क्लिक किया, उसके बाद आप नेक्स्ट पिक्चर क्लिक नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। एंड अगर बात करूँ सीरीज के अंदर, आपको यहाँ पर कैमरा फ्रेम, टाइमर, गाइडलाइन को शो कर सकते हो। माइको जो लेंस है उसे एनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको 3 डॉट में टाइप करके माइको में टाइप करना होगा, उसके बाद ही जो माइको मोड है वो एनेबल होगा। माइको मोड जो है दोस्तों एकदम ही बेकार है भाई, सब कोई भी काम का नहीं है। एंड यहाँ पर आपको डॉक मोड भी मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो कोई भी चीज को डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो 64 MP है इसके अंदर आपको सिर्फ टाइमर का ऑप्शन मिलेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड की बात करो दोस्तों, यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर AI कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मूवी फ्रेम का ऑप्शन है, जहाँ पर आप कुछ इस तरह से पिक्चर को क्लिक कर सकते हो, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगता है। एज वेल दोस्तों, अगर आप एपर्चर को कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एपर्चर का भी कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। देख ही पा रहे हो कितना ज्यादा ब्लर चाहते हो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको फ्रेम एंड टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा। नाइट मोड की बात करो दोस्तों, नाइट मोड के अंदर आप 2x एंड 1x तक जूम कर सकते हो, जो जूम होगा डिजिटली जूम होगा। एंड यहाँ पर भी आप फ्रेम को चूज कर पाओगे, पैरोरामा हमें मिल जाती है। एंड प्रो मोड की बात करूँ, प्रो मोड के अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वाइट बैलेंस के लिए मिलेगा, फोकस के लिए मिलेगा, सैचुरेशन या ओके शटर स्पीड के लिए मिलेगा, ISO के लिए मिलेगा, EV के लिए मिलेगा एंड लेंस के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको माइक्रो लेंस का भी सपोर्ट मिलेगा, प्रो मोड के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस का भी सपोर्ट मिलेगा, प्रो मोड के अंदर जो वाइड एंगल लेंस है उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद फोकस करने के लिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा एंड कलर फिल्टर का भी ऑप्शन है प्रो मोड के अंदर। एज वेल अगर आप हिस्टोग्राम की यूज करना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। एंड एज वेल आपको यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है दोस्तों वो आप फुल HD तक के साथ साथ 4K तक भी कर पाओगे। एंड मूवी फ्रेम का भी ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात यहाँ पर लगी है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग का आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नॉर्मल कैमरा जो वाइड एंगल लेंस उसमें कर सकते हो, 2x तक वीडियो रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों वो आप कर पाओगे एंड 6x तक जूम कर पाओगे वीडियो के अंदर। अगर बात करूँ फोटो के अंदर, तो फोटो के अंदर आप दोस्तों 10x तक जूम कर पाओगे। एंड वीडियो के दौरान आप दोस्तों फिल्टर्स को भी अप्लाई कर पाओगे डायरेक्टली, जो कि काफी अच्छी बात लगी है मुझे। एंड यहाँ पर आप दोस्तों, भाई साहब ये क्या हुआ, फिल्टर को बंद करते हैं। ओके सो यहाँ पर आप फुल HD 60 FPS और 4K 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, मतलब 4K एट 60 FPS का सपोर्ट नहीं है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर माइक्रो लेंस का यूज कर सकते हो एंड मूवी जो फ्रेम है उसको भी यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एंड यहाँ पर आप टाइम लैप्स को भी यूज कर सकते हो। टाइम लैप्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर सीनिक में जो ऑप्शन है, तो इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करना तो मजा आएगा। मैं रिकमेंड करूंगा तो 30x से इसे यूज करना, क्योंकि इसके साथ ही आपको बढ़िया टाइम लैप्स मिलेगा। एंड शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप सुपर स्लो, स्लो, रेगुलर, फास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जो शॉर्ट वीडियो है उसके अंदर। एंड यहाँ पर आप जाओ तो जो क्लाइडोस्कोप है उसे यूज कर सकते हो।
एंड ब्यूटी मोड के साथ भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड स्लो मोशन जो है दोस्तों 960 FPS 120 FPS टू 40 FPS को सपोर्ट करता है। बट थिंग इज दैट जो 960 FPS है दोस्तों एकदम ही बेकार है, पूरा सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता है सो इतना काम का नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलती है जैसे कि सेव लोकेशन इन्फो कैमरा साउंड पॉकेट मोड एंटी बैंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, छोटा मोटा ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है। एंड यहाँ से आप वाटरमार्क को बंद कर सकते हो दोस्तों, डिवाइस वाटरमार्क को, कस्टम वाटरमार्क, टाइम स्टैम्प को डाल सकते हो, लाइव टिप्स को बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड के अंदर जो डिस्टॉर्शन होता है उसे आप दोस्तों कलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर क्वालिटी को चूज कर सकते हो दोस्तों। एंड ज़्यादा स्टेप यहाँ पर हमें मिलता नहीं है, जो चीज़ है वही है एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। नाउ आपको मैंने कैमरा का यूआई बता दिया, एक बार बात कर लेते हैं कैमरा सैंपल की। तो जितने भी पिक्चर आप देखने वाले हो दोस्तों सभी पिक्चर मैंने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के साथ क्लिक किया है एंड बहुत सारी पिक्चर है अलग अलग डे लाइट कंडीशन के अंदर। सो ये जो पिक्चर है दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बैक कैमरा से लिया गया है। यहाँ पर जो नॉर्मल मोड आती है दोस्तों AI क्वाइट कैमरा के साथ क्लिक किया गया है, यहाँ पर 60 मोड मेगापिक्सल के साथ हमने क्लिक नहीं किया है। पिक्चर के अंदर देख पाओगे दोस्तों डिटेल्स किस तरह से मिलती है एंड क्लाउड ब्लू वेदर के अंदर हमने क्लिक किया है। जो कलर है काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा कलर हमें यहाँ पर मिला है एंड खूबसूरत सा कलर हमें यहाँ पर मिल गया है। अभी जितने भी आप पिक्चर देख पाओगे दोस्तों सभी 64 मेगापिक्सल के साथ लिया गया है एंड 64 मेगापिक्सल के साथ अगर आप पिक्चर को क्लिक करोगे तो आपका जो पिक्चर है दोस्तों पिक्चर के अंदर रीडिंग ज़्यादा मिलेगा बट आप जूम नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के साथ पिक्चर क्लिक करने में नीचे आपको 64 मेगापिक्सल क्वाइट कैमरा करके लिखा आ जाएगा। जो वाटरमार्क है यहाँ पर ऑन है तो आपको आसानी होगी दोस्तों ये गेस करने में, ये पिक्चर है 64 मेगापिक्सल में लिया गया है ना कि जो नॉर्मल मोड है उसमें लिया गया है। अंदर से कि आप देख ही पा रहे हो दोस्तों जो कलर आती है 64 मेगापिक्सल के अंदर काफ़ी खूबसूरत आती है, जो ड्रिलिंग आती है काफ़ी बढ़िया है एंड जो शार्पनेस है वो बेस्ट आती है। जो HDR मोड है दोस्तों कुछ कुछ पिक्चर के अंदर हमें ऑन मिलता है एंड HDR मोड के साथ जो पिक्चर है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया आती है। इवन 64 मेगापिक्सल के साथ भी पिक्चर काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर मिली है बट कुछ कुछ कंडीशन के अंदर 64 मेगापिक्सल इतना अच्छे से वो हम नहीं कर पाते, स्पेशली लो लाइट कंडीशन के अंदर ये एंड यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो 64 मेगापिक्सल का जलवा। ये जो पिक्चर है दोस्तों अब नॉर्मल 64 मेगापिक्सल से नहीं लिया गया है, अल्ट्रा वाइड मोड के साथ पिक्चर को लिया गया है एंड देख ही पा रहे हो जो अल्ट्रा वाइड का कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का वो एकदम ही बेकार है भाई साहब, इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, फोटो इतने अच्छे से नहीं ले पाता है। बट ठीक है 8 मेगापिक्सल का दिया गया है तो जो मिलता है ऐसा ही मिलता है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के अंदर। जो अल्ट्रा वाइड का जो कैमरा है उसके साथ हमने बहुत सारी पिक्चर को क्लिक किया है एंड ये जो मोड है दोस्तों हमने प्रो मोड के साथ क्लिक किया है एंड प्रो मोड के साथ जो पिक्चर आती है दोस्तों यहाँ पर जो कलर है बहुत ज़्यादा पॉप किया जाता है एंड प्रो मोड भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे पर्सनली नहीं लगा है, जस्ट रियलमी का क्रोमा बूस्ट दिया गया है। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों 32 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा हमें यहाँ पर मिल जाती है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के अंदर एंड फ्रंट कैमरा के अंदर भी दोस्तों आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है। बहुत सारी पिक्चर सैंपल हमने क्लिक किया है फ्रंट कैमरा के साथ जो कि आप देख ही पा रहे हो एंड फ्रंट कैमरा के अंदर जो HDR मोड है वो भी दिया गया है। सो फ्रंट कैमरा के अंदर जो HDR मोड है बहुत ही बढ़िया काम करती है एंड पोर्ट्रेट मोड के साथ पिक्चर को क्लिक करने के बाद जो अपर्चर है उसे आप अलग से बाद में सिलेक्ट कर सकते हो एंड मूवी फ्रेम के साथ भी आप पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। सो मुझे मूवी फ्रेम है दोस्तों नया फीचर आया है जिसके साथ भी हमने कुछ पिक्चर को क्लिक किया है। फ्रंट कैमरा बैक कैमरा मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा। एंड अगर बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप देख ही पा रहे हो एक वीडियो सैंपल जो कि मैंने क्लिक किया है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बैक कैमरा से फुल HDR 30 FPS के साथ एंड आप देख ही पाओगे जो फोकस है कुछ इस तरह से मिलता है, जो EIS है कुछ इस तरह से मिलता है एंड इसका जो फोकसिंग है काफ़ी बढ़िया है एंड जो पीछे का ब्लर हो जाता है ये भी काफ़ी बढ़िया पर्सनली मुझे लगा है, आपको कैसा लगा वो भी बताइए। एंड आप कलर देख पाओगे कुछ इस तरह से हमें कलर मिल जाती है इस फ़ोन के साथ। जो कलर है दोस्तों थोड़ा सा पॉप कलर मिलता है बट देखने में काफ़ी बढ़िया है, एकदम ही नेचुरल कलर है, एक्चुअली नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। एंड ये जो रिकॉर्डिंग आप देख पाओगे दोस्तों 60 FPS के साथ हमने क्लिक किया है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के साथ एंड 60 FPS भी काफ़ी बढ़िया है, फुल HD 60 FPS, फुल HD 30 FPS, 720p 30 FPS एंड 4K 30 FPS को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों 4K के अंदर 60 FPS का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप नहीं कर पाओगे बट जो काम है ये आपका हो जाएगा, कोई भी शिकायत वाली मौका आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा।
सो ये जो फुटेज आप देख पाओगे दोस्तों, रेविनो 9 प्रो का जो अल्ट्रा वाइड एंगल मोड है उसके साथ हमने क्लिक किया है। 8 मेगापिक्सल का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है दोस्तों ठीक ठाक हमें मिलता है, बट एक्सपोजर यहाँ पर लॉस होते हमें यहाँ पर मिलता है। मतलब जो कैमरा है दोस्तों मेन कैमरा के एकदम करीब भी नहीं जाता है, बट आपको जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपका जो नॉर्मल डे लाइट के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बट एक्सपोजर के अंदर अभी भी काम करना बाकी है। मतलब इसका जो एक्सपोजर है दोस्तों इतना सटीक नहीं बैठता है, बट ठीक है जो भी मिलता है ऐसा ही हमें यहाँ पर मिल जाता है। सो ये जो आप पिक्चर सैंपल सॉरी वीडियो सैंपल देख पाओगे दोस्तों, ये हमने 4K 30 FPS के साथ शूट किया है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो 4K 30 FPS के साथ किस तरह से हमें मिलता है पिक्चर के अंदर रीलिंग काफ़ी ज़्यादा मिलता है, एंड वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी मक्खन की तरह हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। कोई भी इशू हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है, कोई भी दोस्तों इशू नहीं है। एक्चुअली तो अगर आप फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करोगे दोस्तों जो EIS है ज़्यादा आपको दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू 4K। 4K के अंदर दोस्तों जो शेकी हैंड है वो ज़्यादा होता है, मतलब 4K के अंदर दोस्तों जो EIS ढंग से काम नहीं करता है। ये जो सैम्पल आप देख पाओगे दोस्तों स्लो मोशन के साथ हो रहा है, बट जो स्लो मोशन है दोस्तों इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसका जो 960 FPS है एकदम ही दोस्तों गिमिक है, इतना अच्छे से ये काम नहीं करता है। सो इस फोन के साथ हमने कुछ टाइमलैप्स शॉट लिया है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, एंड टाइमलैप्स के अंदर जो ड्रिलिंग आती है काफ़ी बढ़िया आती है। स्पेशली अगर आप डेलाइट के अंदर टाइमलैप्स शॉट लोगे अच्छी लाइटिंग कंडीशन के साथ तो आपको जो टाइमलैप्स मोड मिलेगा काफ़ी बढ़िया मिलेगा। एंड मुझे इस पर्सनली इस 9 Pro Max का जो टाइमलैप्स अच्छा लगा है। अगर आप दोस्तों सेटिंग्स में जाके इंटरवल को 90x तक कर दोगे तो उसको आपको ज़्यादा अच्छा आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा आपको दोस्तों रिजल्ट मिलेगा। एंड टाइमलैप्स जो है दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। मैंने आपको कुछ टाइमलैप्स शॉट जो कि मैंने क्लिक किया था 9 Pro Max के साथ वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल जाती है टाइमलैप्स के अंदर। बाकी आपका क्या थॉट्स है हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा इस डिवाइस के कैमरा के बारे में। सो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पर मैं रेविनोट 9 Pro Max के साथ वीडियो को शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर देख पाओगे जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों कुछ इस तरह से हो रहा है, एंड आप देखिए आपको कुछ इस तरह से कलर मिलता है, एंड EIS भी यहाँ पर हमको मिल जाती है जो कि यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन के दौरान काम करते हैं। और एक्सपोजर किस तरह से मिलता है वो भी देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अगर वॉक करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमें मिलती है जो EIS से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। बाकी जो ऑडियो आ रहा है दोस्तों डायरेक्टली इस फ़ोन के साथ ही हमें मिल रहा है, मतलब इस फ़ोन के अंदर जो माइक मिलता है उसके साथ ही मैं ये ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप बताइए दोस्तों आपको कैसे लगा इस फ़ोन का मेन कैमरा का वीडियो सैंपल। ये जो सैंपल आप देख पाओगे दोस्तों फुल HD 60 FPS के अंदर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप देख ही पा रहे हो कुछ इस तरह से मिलता है। 60 FPS रिकॉर्ड करने के दौरान थोड़ा सा जो यहाँ पर प्लेबैक हो रहा है थोड़ा सा अटक कर चल रहा है, बट ठीक ही दिखाई दे रही है। जो ऑडियो है डायरेक्टली इस फोन के का जो माइक है वहाँ पर से आ रहा है, एंड कुछ इस तरह से मिलता है 60 FPS फुल HD 60 FPS का कैमरा सैंपल। एंड एक्सपोजर आप देख ही पा रहे हो काफ़ी अच्छा, यहाँ पर मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं वॉक भी करूँगा तो जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताइए इस फ़ोन का कैमरा आपको कैसा लगा। सो ये जो पोर्शन आप देख पाओगे दोस्तों 4K के अंदर हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं रेविनोट 9 Pro Max के साथ। यहाँ पर 4K के अंदर आप 30 FPS के साथ ही शूट कर पाओगे। एंड अगर मैं यहाँ पर वॉक करूँगा तो यहाँ पर वॉकिंग करने के दौरान कोई भी आपको EIS नहीं मिलता है, बट यहाँ पर जो ड्रिलिंग है वो बहुत ही बढ़िया मिलती है फुल HD के मुकाबले में। फुल HD के अंदर 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन है, बट 4K के अंदर सिर्फ 30 FPS का ही ऑप्शन हमें मिल जाती है। पर 4K के अंदर आपको कोई भी इमेज स्टेबलेशन नहीं मिलती है, बट आपको फुल HD के अंदर थोड़ा बहुत इमेज स्टेबलेशन और EIS मिल जाती है, और कलर देखिए कुछ इस तरह से हमें मिलता है। भाई साहब ये पार्ट जो शूट कर रहा हूँ दोस्तों रेविनोट 9 Pro Max का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसके साथ शूट कर रहा हूँ, कोई भी OIS EIS कुछ भी नहीं है। एंड जो एक्सपोजर है एकदम ही बेकार है, एंड जो अल्ट्रा वाइड है दोस्तों वो नाम का अल्ट्रा वाइड है, मतलब ठीक है ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना भाई साहब, जो मेन कैमरा है वो मेन कैमरा है और जो अल्ट्रा वाइड है दोस्तों ठीक ठाक है। वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग इतना अच्छे से नहीं कर पाता है। एंड एक्सपोजर भी आप देख पाओगे इतना अच्छे से जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है उतना अच्छा नहीं लगा है मुझे। सो हेलो गाइस, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो दोस्तों रेविनोट 9 Pro का जो फ्रंट कैमरा है उससे हो रहा है, एंड देख पा रहे हो फ्रंट कैमरा के अंदर हमें यहाँ पर 32 MP मिलती है, कुछ इस तरह से हमें मिलती है 32 MP की फ्रंट कैमरा रेविनोट 9 Pro Max के अंदर। एंड यहाँ पर अगर मैं वॉक करता हूँ तो फोन शेक हो रहा है, या फिर आपको फ्रंट में कोई भी EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। चलो बताइए फ्रंट कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करिए। सो 9 Pro Max का जो कैमरा है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली जो फ्रंट कैमरा है बहुत ही बढ़िया है। नहीं जो कैमरा दोस्तों कहाँ पर फिट होता है, जो 9 Pro Max का कैमरा है दोस्तों ये एक्चुअली पोको X2 के बराबर जाता है, बट पोको X2 को बीट नहीं कर पाता है। पोको X2 का जो कैमरा है इससे बेहतर है बैक कैमरा, बट
पोको एक्स टू का जो कंपटीशन एकदम करेक्ट कंपटीशन दे पाता है। सो अगर आप पोको एक्स टू आपको लेना चाहते हो कैमरा के लिए तो ले सकते हो, बट 9 प्रो मैक्स का जो कैमरा है पोको एक्स टू के कंपेयर में जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड जो कैमरा है 9 प्रो मैक्स का इस बजट की सबसे एकदम बढ़िया हमें मिल जाती है। सो कोई भी शिकायत नहीं है, जितने भी कैमरा सैंपल है दोस्तों आपने देखा है। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा। एंड आशा करो वीडियो पसंद आया होगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है 9 प्रो मैक्स के लिए। सो वेट फॉर इट एंड सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट जरूर से करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।